प्रियंका चार चौधरी का ये बड़ा सच आया सामने। आखिर क्या प्रियंका भी अर्चना के साथ मिलकर ये टॉर्चर वाला टास्क कर रही थी? और अगर हाँ तो फिर प्रियंका ने बाद में ये बात क्यों कही कि मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थी, मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है? क्या प्रियंका भी गेम खेल रही है बिग बॉस के साथ और जनता के साथ? क्या प्रियंका भी अर्चना के साथ उनकी कोई मिली भगत है? आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रियंका और अर्चना ये दो बिग बॉस के ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनको बहुत पसंद किया जाता है और बहुत प्यार दिया जाता है, लेकिन अर्चना के कल के टास्क को देखते हुए उनके ऊपर ऐसे सारे सवाल उठ रहे हैं जैसे मानो कि लोग अर्चना को एक विलन की तरह कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि अर्चना ने जिस तरीके से मुँह पर हल्दी फेंकी, टैल्कम पाउडर डाला शिव के फेस पे, उसके बाद नमक डाला और एक दो बार नहीं बल्कि 3 से 4-5 बार, और प्रियंका खुद एक प्लान में शामिल है अर्चना के, और प्रियंका एट मोमेंट प्रियंका ने भी कहीं ना कहीं झूठ बोला है। प्रियंका बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है जो बिग बॉस सीजन 16 की विनर बन सकती है, लेकिन प्रियंका को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उनको झूठ बोलना पड़ा इन सारी चीज़ों को लेकर कि ये मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थी? जबकि प्रियंका ने, जब अर्चना ने एक बात बोली कि 5 साबुन कूट के सिलबट्टे में रखे हैं, उसको पूरा उबाल दूंगी, वो ज़्यादा कास्टिंग मारेगा तो और ज़्यादा तकलीफ होगी इनको, जिसमें प्रियंका भी साथ में थी, प्रियंका बैठी थी, और लिटरली अगर आप कल का टास्क देखेंगे तो शिव अपनी आँखें नहीं खोल पा रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। वो एक ऐसा ही ट्वीट है जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है, आप मैं ट्वीट पहले दिखा देता हूँ, आप कोई देख सकते हो। आप इस ट्वीट में लिखा है कि इंसानियत को शर्मसार करने वाला बिहेवियर प्रियंका चार चौधरी का और अर्चना का, ये दोनों भी मिले हुए थे और इनकी वजह से शिव ठाकरे की आँख इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड हुई। सीक्वेंस जो है ना इंसिडेंट्स का, ये सारी चीज़ें मतलब बता रहे कि ड्राई डिटर्जेंट्स स्पाइसेस बहुत टॉक्सिक होते हैं आँखों के लिए, जिसके बाद लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आज कोई लिख रहा है कि कोई कमेंट सेक्शन में लिख रहा है कि अर्चना से घटिया लड़की मैंने आज तक बिग बॉस में नहीं देखी, ना जाने क्यों रखा है उसे, घर भेजो। फिर कोई लिख रहा है कि जस्ट इमेजिन इफ दे हैड नॉट हेड द ट्रिमर एंड चिली पाउडर दे वुड हैव यूज्ड इट। फिर कोई लिख रहा है कि आई हैव नेवर सीन दिस टाइप ऑफ वर्स्ट वुमन। फिर को लग रहा है असली तो ये सब प्रियंका का किया धरा है। फिर को लग रहा है कि आइडिया सब उनकी सो कॉल्ड फेक मूर्ति जैसी दिखने वाली फ्रेंड प्रियंका का है, और उसके बाद वो बाद में साइड में हो जाएंगी अच्छी अच्छी औरत बनकर। फिर को लग रहा है कि लिटरली ये गवार कचरा इज सो इनह्यूमन, भगवान बचाए उसके क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स को इसके पागलपन से। तो इस बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर, और इसी तरीके के बिग बॉस की इंसाइडर इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी गॉसिप्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।